पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मोसे छल किए जाए। अरमान, हम ऐसे अचानक मंदिर क्यों आए हैं? सौम्या से आपने बात की राइट? वो हमारी कहानी लिखेंगे, वरना हम इसे नहीं बना सकते। तुम्हारी खुशियां मांगने। मैं तुमसे तुम्हारे वादे की बात करने वाला हूं, तुम्हारे दिए हुए वचन की बात। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात हमें भगवान के सामने ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ यही है जो ये जानते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है। मतलब? सौम्या, मैं तुम्हें तुम्हारा सपना लौटाना चाहता हूँ। मेरी फैमिली ना टूटे, इसलिए तुमने मोहम को वचन दिया कि तुम राइटिंग छोड़ दोगी। लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? ये जो राइटर बनने का सपना तुमने देखा है, क्या वो सिर्फ तुमने अपने लिए देखा था, अपनी फैमिली के लिए नहीं? सौम्या, अपनी फैमिली के लिए लिखो, राइटर बनो। और वैसे भी मुझे भी तो तुम्हें दिया हुआ वचन निभाना है ना। एक वादा आपको भी मुझसे करना होगा, आप मेरे सपनों का साथ देंगे। मेरा सपना राइटर बनना है। तुम्हारा हर सपना आज से मेरा होगा। सौम्या, तुम लिखोगी? आपको वचन देती हूँ, मैं तब तक राइटिंग छोड़ दूंगी तब तक आप मुझे परमिशन नहीं देती। ने जो मम्मी जी को वचन दिया है, मैं वो नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्यों नहीं तोड़ सकती? क्या सारी जिम्मेदारियां एक बहू को ही निभानी होती है? एक बेटी की कोई ड्यूटी नहीं है? एक बेटी अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त, सारे रिश्ते, शहर, सब कुछ छोड़ देती है, क्या ये काफी नहीं है? वो अपने हर सपने को भी छोड़ दे। अब मैं चाहूं तो तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर सकता हूँ, एक मिनट में सारा लोन चुका सकता हूँ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं जानता हूं कि मेरी सौम्या, उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे तुमने तो हॉस्पिटल में जब तुम्हारी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस में भरने जा रहा था, मुझे रोक दिया था, मना कर दिया था मुझे। सारे मैं ये पैसे नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं है सर। और सौम्या, अब तो तुम्हारे डैड की जॉब भी नहीं रही, सोचो तुम्हारी फैमिली इस वक्त कितनी तकलीफ में है। इसीलिए सौम्या, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, काम करो, लिखो। और अगर तुमने नहीं लिखा, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, तुम्हारे मॉम डैड के सामने हंसने कैसे मिलाऊंगा मैं? क्या सोचेंगे वो हमेशा मेरे बारे में कि मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं समझता? आई एम योर हस्बैंड, तुम्हारी मदद करूं मैं एक सही डिसीजन लेने में। अरमान, जैसे मैंने कहा, मैं मम्मी जी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगी। अरमान, ये मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं सौम्या, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा। वादा करो मुझसे सौम्या, वादा करो कि तुम लिखोगी, वादा करो मुझसे। हाँ, हर बार मैं लिखूंगी, आपको वचन देती हूं। भगवान जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मम्मी जी को दिया हुआ वचन तोड़ रही हूं। मैं जानती हूं कि रिश्तों में छल और झूठ नहीं होना चाहिए, पर भगवान जी, मैं अरमान
अरमान को भी उनकी फैमिली से दूर होने नहीं दे सकती, पर मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं बहुत जल्द मम्मी जी को अपने राइटिंग के बारे में बता दूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर सपने टूट जाए तो फिर भी रिश्ते जी सकते हैं, लेकिन अगर छल के वजह से एक विश्वास टूट जाए तो रिश्ता मर जाता है। सौम्या, तुम अभी राइटर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी चैनल डील को सक्सेसफुल करने के लिए बन रही हो। अरमान ने मुझे 3 एपिसोड्स लिखने के लिए कहा है, अभी तो एक भी पूरा नहीं हुआ है, मैं कैसे करूंगी? क्या ये अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया तुमने? ये लिखना फिर से स्टार्ट कर दिया? वो मम्मी जी, सौम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी सारी स्क्रिप्ट के पेपर्स फाइल में डाल के रखा करो, कोई भी सीन मिसप्लेस हो गया ना तो शूटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज उठाओ ना इन्हें सब जी, ठीक से रखो। What is this, यार? ये सन, ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है? हाँ, क्यों? मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं। सौम्या, तुमसे एक काम है मुझे, जल्दी से नीचे आओ। जी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।